हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि किसी भी ज़मीन का डिटेल्स कैसे निकालें। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम नहीं है कि मेरा ज़मीन कितना है और ये किनके नाम पर है, मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम पर है या आपके दादाजी के नाम पर है या आपके परदादा जी के नाम पर है, किसी के भी नाम पर ज़मीन है तो आप कैसे उसका डिटेल्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे भूमि विहार। भूमि विहार टाइप करने के बाद आप सबके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लैंड रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये ऑफिशियली वेबसाइट है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। जमाबंदी पंजी देखें, इस पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बिहार का पूरा नक्शा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। जैसे कि कोई भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसको आप लोग सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से एक पेज ओपन होकर आएगा। उसके बाद अपने प्रखंड का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रखंड पड़ता है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको हलका का नाम सेलेक्ट करना है। हलका यानी कि आपका पंचायत होता है, अपने पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मौजा का नाम दिखा रहा है, मौजा का नाम यानी अपने गाँव का नाम सेलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक ये अपने मेरे गांव का नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोग यहां पे तीन चार तरीके से आप लोग अपने ज़मीन का डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको भाग वर्तमान संख्या से भी खोज सकते हैं, रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं, आपको प्लॉट नंबर याद है तो उससे भी खोज सकते हैं, खाता नंबर से भी खोज सकते हैं और जमापंदी संख्या से भी खोज सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं, समस्त पंजी टू को नाम के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, जैसे कि अगर आपके खाता संख्या याद नहीं है, भाग वर्तमान संख्या याद नहीं है और कुछ भी याद नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूरे गांव का यहाँ पे डिटेल्स निकल जाएगा। उसमें आप बारी बारी से जाके अपना नाम सकते हैं। यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा गांव का डिटेल्स खुल के आ चुका है। अब आप लोग इसमें बारी बारी अपने नाम को यहाँ पे खोज सकते हैं कि मेरा नाम कौन सा है। देख सकते हैं यहाँ से पूरा पेज दिखा रहा है, 184 पेज यहाँ पे शो कर रहा है। बारी बारी से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अगर जो आपको नाम मिल जाता है तो यहाँ पर क्लिक करके अपना डाटा देख सकते, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। देखें पे क्लिक करने के बाद आपके पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आपके कितना रकबा है, कितना खाता संख्या है, सब चीज़ इसमें खुल के आ जाएगा। तो चलिए मैं इस पर देखें पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखें पे क्लिक करने के बाद आप सबके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जो आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरे तरीके से खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खाता नंबर याद है तो आप खाता अपना खाता नंबर डालेंगे, जो भी आपका खाता नंबर है। मान लीजिए मेरा ये खाता नंबर है तो मैं इस पर डाल के दिखा रहा हूँ। और खाता नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप लोग सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, अब पेज अपडेट होके आएगा। देखिए यहाँ पर पेज खुल चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पाँच नंबर पे इनका नाम है और इनका सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पे खाता संख्या है, यहाँ पे भाग वर्तमान है, पृष्ठ संख्या वर्तमान है, जमाबंदी संख्या है, ये सारा चीज़ आप लोग डिटेल्स इसको लिख कर और रख सकते हैं। पे क्लिक करना है और उसके बाद पूरा डिटेल्स फिर से खुल के आ जाएगा इनका, जो भी डिटेल्स है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स खुल के आ चुका है, कितना रकबा है, यहाँ पे रकबा शो कर रहा है, प्लॉट संख्या शो कर रहा है, खाता नंबर शो कर रहा है।
यहाँ पे खाता नंबर शो कर रहा है, प्लॉट संख्या शो कर रहा है, कितना रकबा है इनका वो भी शो कर रहा है। इस प्रकार से आप लोग सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। और आपका ज़मीन ज़मीन का रसीद कब तक कटा है देख सकते हैं यहाँ पे, 2020-21 तक यहाँ पे इनका ज़मीन का रसीद कर चुका है। तो ऐसे ही आप लोग भी यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल चेक कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से आप लोग प्रिंट करके भी रख सकते हैं। और इसके बाद आपको रसीद कैसे काटना है इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर मैं एक पूरा वीडियो बना दूँगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में अगर आपको ज़मीन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसके ऊपर मैं एक वीडियो और सेपरेट बना दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।